इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWS किस तरह से आपको एक साल के लिए अपनी सर्विसेज की फ्री एक्सेस देता है। इस फ्री एक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर प्रोडक्शन ग्रेड बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकें, ये एक लिमिटेड एक्सेस है ताकि आप फ्लेवर ले सकें, टेस्ट ले सकें, चीज़ें सीख सकें। तो इस फ्री टियर की डिटेल को जानने के लिए अगर आप गूगल पर जाकर AWS फ्री टियर लिख कर सर्च करें तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी AWS फ्री टियर के नाम से, इस पर क्लिक करें तो ये जो वेबसाइट है ये आपको AWS फ्री टियर की डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेसेस, मशीन लर्निंग, जिसके ऊपर आपको किस तरह की एक्सेस है फ्री टियर के दौरान और आप कितना यूसेज कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग अ बिल। आप अगर इन लिमिट्स के अंदर रहें तो आपको कोई बिल नहीं पड़ेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास और ऑप्शंस हैं फिल्ट्रेशन की। तो अगर मैं 12 मंथ्स जो एक साल का फ्री एक्सेस एस्पेक्ट है उस पर क्लिक करूं तो मेरे पास फिल्टर होकर सिर्फ वही सर्विसेज रह जाएंगी जिनके ऊपर मेरे पास फ्री टियर की एक्सेस है। इसको फ्री टियर कहते हैं, एक साल 12 महीने के लिए आपके पास फ्री टियर एक्सेस है। अब अगर हम कुछ सर्विसेज के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो अमेज़ॉन EC2 के ऊपर आपको फ्री टियर में एक महीने में 750 घंटे की एक्सेस है। ये बेसिकली 24 घंटे सातों दिन हफ्ते के अगर आप एक EC2 इंस्टेंस को ऑन रखें तो वो 750 घंटे बनते हैं। और इसके ऊपर एक और लिमिटेशन ये भी है कि आप इसके ऊपर जो इंस्टेंस की टाइप चलाएंगे वो T2 माइक्रो है, जिसके ऊपर एक वर्चुअल CPU है और 1 GB ऑफ रैम है। तो आप T2 माइक्रो या T3 माइक्रो की इंस्टेंस चला सकते हैं। और उसके अलावा इसके ऊपर आप बेसिकली जो विंडोज़ की मशीन्स हैं वो कुछ रीजन्स में आपको अलाउड है, अदरवाइज़ जो फ्री टियर है वो एलिजिबल होता है सिर्फ लिनक्स की मशीन्स के लिए, क्योंकि विंडोज़ की मशीन के साथ लाइसेंस की कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है, इसलिए सिर्फ लिनक्स की मशीन्स कुछ रीजन्स में आपको फ्री टियर में एलिजिबल होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग S3 देखें जो कि स्टोरेज सर्विस है, तो आप 5 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं एक महीने में विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। और उसके अलावा आप इसके अंदर बेसिकली 20,000 गेट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मतलब कि वहाँ से डेटा रीड करने की रिक्वेस्ट, और 2,000 की पुट की रिक्वेस्ट, यानी कि 2,000 दफ़ा आप किसी फाइल आप फाइल एक ही फाइल को 2,000 दफ़ा अपडेट कर सकते हैं या 2,000 फाइल्स को एटलीस्ट एक दफ़ा वहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर फ्री टियर की एलिजिबिलिटी है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग AWS के अकाउंट के साइनअप का प्रोसेस देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।